अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो गाइस आज कोई गेम प्ले वीडियो नहीं है, मैं आज एक ट्यूटोरियल वीडियो बना रहा हूँ मोडिंग की, जो कि है नीड फॉर स्पीड मोस्ट वांटेड 2005 के ऊपर। इसका मैं आपको टेक्सचर पैक्स आज इंस्टॉल करने बताऊँगा, रीशेडिंग करना इसकी सिखाऊँगा, मतलब जो ग्राफिक मोड है सिंपल सिंपल, तो जो कि गेम को बहुत ज़्यादा बेटर बना देते हैं। तो इस गेम को कोई भी ऐसा पाकिस्तानी नहीं है जिसने इस गेम को ना खेला हो, ठीक है। लाइक बचपन में जैसे हम लोग वाइस सिटी खेला करते थे या जैसे कि सैन एंड्रियास खेला करते थे, वैसे ही ये गेम मैंने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया है, ठीक है। तो आपको मॉडल्स जितने भी हैं, जो जो मैंने मॉडल्स वीडियो में यूज़ किए हैं, उसका उन सब का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग जाके वहाँ से डाउनलोड कर लें। तो पहले क्या करना है कि इन सब को एक्सट्रैक्ट कर देते हैं साइड बाई साइड, ठीक है। तो साइड पे ऐसे रखते हैं एंड एक साइड पे हम लोग इसकी फाइल लोकेशन रखते हैं नीड फॉर स्पीड की, ठीक है। तो पहले हार्ड अडाप्टर करते हैं इंस्टॉल, उसको बस स्क्रिप्ट वाले फोल्डर को यहाँ पे ला के फेंक देना है। देन उसके बाद लाइटनिंग आ जाता है, नीड फॉर स्पीड लाइटनिंग, उसके लिए आपको क्या करना है, कैडेंस में जाना है, रिप्लेस कार्स में जाना है एंड यहाँ पर आपको ये दो फाइलें आके यहाँ पर पेस्ट कर देनी है, मतलब फेंक देनी है, ठीक है। तो वो करने के बाद आपको अब बैक आ जाना है, ठीक है। अब हम लोग ENB इंस्टॉल करते हैं। ENB जो क्रोमेटिक एबरेशन करें या नॉर्मल क्रोमेटिक एबरेशन करते हैं, तो बैक आ जाता हूँ मैं बिल्कुल। हाँ, तो यहाँ पे आने के बाद ये सारी फाइल जितनी भी हैं ये इन सबको फेंक देना है फोल्डर के अंदर। तो ये भी मोड इंस्टॉल हो चुका है ENB वाला एंड उसके बाद मोड लोडर करना है, यहाँ से नेक्स्ट करना है एंड जो नीड फॉर स्पीड की लोकेशन है वो आपको यहाँ पे आके डाल देनी है, ठीक है। मोड लोडर इंस्टॉल हो चुका है, उसके बाद आपको आना है और मोड में, जितने उनको नॉर्मली इंस्टॉल कर लें आप। तो हाँ, अभी मोड आगे इंस्टॉल करते हैं जो कि आगे, अब हम लोग गाड़ियों पे आ जाते हैं नीड फॉर स्पीड। लास्ट में आपको ये वाला टेक्सचर पैक लास्ट में इंस्टॉल करना है, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप एटम होड पर शूट वाला टेक्सचर पैक इंस्टॉल करें। तो ठीक है, यहाँ पे आ जाता हूँ मैं। आ जाती है ये M3 GTR की स्किन आ जाती है पहले, ये जो है ये एडन्स में आपको यहाँ से ले के ये सारा आपको फेंक देना है फोल्डर के अंदर, जैसा कि ये या मैंने कर दिया अंदर फेंक दिया है। तो एक होगी इंस्टॉल, देन आगे आती है फरारी, तो ये भी आपको एड ऑन के अंदर ऐड कर देनी है। आगे कर देते हैं, उसके बाद आगे आती है मक्लारेन, तो इसको भी मैं ऐड कर देता हूँ सिंपल सिंपल। उसके बाद आगे आती है ट्रैफिक पैक आ जाता है आगे, तो ट्रैफिक पैक में ये होता है कि आपको बहुत ज़्यादा बकवास बकवास गाड़ियाँ देखने को मिलती हैं, मगर इसके अंदर आपको ऑडी और ऐसी ऐसी गाड़ियाँ आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो उसके बाद रे शेड हमने इंस्टॉल करना है, यहाँ पे आ जाता हूँ। री शेड आपको मिल जाएंगे यहाँ से, ये सारी चीज़ें आपको उठा के स्क्रिप्ट यहाँ पर फेंक देनी है, ठीक है। ये मैंने डाल दी है, ठीक है। लो एंड पे भी हैं, तो अगर आपका सिस्टम इतनी रिक्वायरमेंट्स में नहीं है कि वो कर ले, तो आप इसको लो एंड पे वाला इंस्टॉल कर सकते हैं। आगे आता है वाइड स्क्रीन फिक्स आ जाती है, तो वाइड स्क्रीन का ये होता है गेम बहुत ज़्यादा ब्लरिंग करने लग पड़ती है बीच बीच में, लाइक जब आप बूस्ट यूज़ करते हैं या ऐसी ऐसी चीज़ें, तो इस वजह से मतलब एक्स्ट्रा ऑप्शन आ जाते हैं। उसके बाद वहाँ वो भी यहाँ पर ला के इंस्टॉल कर देते हैं एंड एक्स्ट्रा ऑप्शन तो कर दिया। आगे उसके बाद आता है सबसे मेन वाला, कन्फ्यूज हो रहा हूँ, इनको डिलीट कर देते हैं, चलो। हाँ, उसके बाद आती है सबसे मेन चीज़ टेक्स्ट मोड, ठीक है। उसको भी आपको यहाँ पे ला के पेस्ट कर देना है, रिप्लेस कर देना है, जो कुछ भी होगा डिलीट। अब आता है सबसे ज़्यादा मज़े की चीज़ इस जो गेम को चेंज कर देगी। आपको जाना है यहाँ पे, पहले एटम वाला करना है, एटम होड पर शूट, बस गेम के फोल्डर के अंदर आपको फेंक देना है यहाँ से। अगर एल्डॉल थोड़ी सी बड़ी फाइल है, थोड़ी सी बस हो गया। फोर स्काई आगे, स्काई पर भी आ जाता है एंड इन गेम बन। स्काई का खैर इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, तो अभी हो गए हैं मॉड इंस्टॉल, तभी मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे ऑन करनी है गेम, ठीक है।
टेक्स्ट मोड पे आ जाना है एंड आपको यहाँ पे वो सिलेक्ट करनी है स्पीड, मतलब गेम आपको सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको पैकेज सिलेक्ट करने हैं, यहाँ से ब्रोज करना है। देन यहाँ पे ये जो ये तीन ही पैकेज होंगे जो मैंने आपको इंस्टॉल करना सिखाए थे, वो HD हार्ड होगा। ओके HD हार्ड आ गया, देन एटम आ जाए, एटम वाला आ जाएगा एंड फिर Part 1 भी आ जाएगा, Part 1 Part 2, ठीक है। देन उसके बाद आपको गेम को रन कर देना है। तो यहाँ से ये कोई तकरीबन 5-6 मिनट लेगी गेम ऑन होने के लिए, तो मिलता हूँ आपको गेम ऑन होने के बाद। तो मैं यहाँ पे गेम ऑन हो चुकी है, तो अभी देखते हैं आगे क्या होता है। पीछे चल रही थी सेफली एंड रिस्पांसिबली ओके, एंड वेयर योर सीट बेल्ट। अभी यहाँ पे चल पड़ी है गेम मेरे पास, तो भाई ऑन ही नहीं हो रही है। ठीक है अभी चल पड़ी है गेम, ठीक है सही से चल रही है और आप लोग यहीं पे डिफरेंस देख रहे हैं। ठीक है तो कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। अभी भी आप लोग ग्राफिक्स देख सकते हैं, जगह पर भी आप लोग ग्राफिक्स देख सकते हैं। फ्री रोम में आ जाते हैं एंड आप लोगों को अभी मैं ग्राफिक्स दिखा देता हूँ। देख लिया है एंड देख सकते हैं आप लोग पूरी गेम चेंज हो चुकी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें वीडियो को किसी फ्रेंड को, अगर आपको किसी फ्रेंड को अगर आपके को चाहिए मोड्स इसकी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड अल्लाह हाफिज़।